अब हम अटक गए आज, समझ रहे हैं कि उतरे कि ना उतरे, कि यहीं पे रहे। और चंदन के पापा कह रहे चलो हम उतारते नमस्कार हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, ब्लॉगिंग। तो यहाँ पर आ गई हूँ और सब्जी की तोड़ाई कर रही हूँ। तो हमारे किचन गार्डन में सब्जी निकलने लगा, देखिए फल रहा है सब, सभी पौधे में। तो अब निकलेगा 2 दिन पे 3 दिन पे। इस किनारे चली आई तोड़ाई करने, वहाँ का तोड़ चुकी हूँ, आधी आया था, यहाँ थोड़ा पौधा जो है गिर गया है। तो अब सब्जी की तोड़ाई कर लेते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। तो किचन गार्डन से निकल रही हूँ, यहाँ पर देखिए हमने हरी ताज़ी सब्जी, इतना सारा सब्जी की तोड़ाई की। तो चलती हूँ, रख देते हैं, अब इधर का तोड़ लेते हैं, थोड़ा बचा है तोड़ने को, तो यहाँ पर रखती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जी काट रहे हैं आज हमारे किचन गार्डन का। पहला दिन सब्जी यानी लोबिया गोंगे का सब्जी बनने जा रहा है। वहाँ पर इस सब्जी का क्या नाम बोलते हैं आज कमेंट में हमें भी पता चले कि इस सब्जी का कितने नाम से जाना जाता है। तो हम तो 2 नाम से जानते हैं, एक बोरा एक लोबिया। तो यहाँ पर सब्जी काट रहे हैं, गुंजन चाय रखने के लिए जा रही हैं। और तो यहाँ पर काट रहे हैं और इसका सब्जी बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों। यहाँ पर भिंडी और बोगे का सब्जी काट दी हूँ। तो यहाँ चाय उबल रहा है और तड़का को काट रही हूँ। तो यहाँ पर चाय बन गया है, गुंजन छान के सबको दे दी है, सब इकट्ठा हो गए हैं। फिर चंदन कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं, चांदनी चावल धुल रही हैं। ये लो, घर का मालिक कौन बनना चाहता है? अंजलि नहीं बनेगा कोई। और कमेंट लगाई हूँ, आप सब देख रहे हैं, मतलब वीडियो देखकर डांस देखकर उल्टी आता है। तो हम ऐसे लोगों को कहेंगे कि हमारे चैनल में उल्टी मत कीजिए, उल्टी लगी है तो बहुत जगह पड़ा है आपके लिए। और इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। कल वीडियो हमारी गुंजन शीतल शूट कर रही थी तो उसी पे आया था कि ये डांस स्टेप देखकर उल्टी आ रहा है, तो मत कीजिए इतना उल्टी, नहीं स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कैसे कैसे लोग पड़े रहते हैं, छोटे बच्चों के परत कितना गंदा घटिया सोच होता है। और ये सब बोलना नहीं चाहती हूँ, कुछ लोग को बहुत बुरा लगेगा कि ये सब यूज कर रही हो संगीता, आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों के घर पे आएगा बात तो बोलना तो पड़ेगा दोस्तों। तो आज बनाएंगे दाल फ्राई करके। तो मिर्ची डाल दी, तेल यहीं पे डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा यहीं पे डालूंगी, प्याज को। तो हमारा मिर्चा प्याज जीरा भून गया है ये है। तो यहाँ पर टमाटर को डाल दी हूँ, थोड़ा पका लेते हैं टमाटर। तो दाल को डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद ऐसा दाल हमारे घर पे बना, आप सब देखे। तो यहाँ पर दाल को आपस निकाल के रख लेते हैं, चलते हैं कढ़ाई में सब्जी बना लेते हैं। दिखाती हूँ आपको सब्जी हमारा किस तरह बना। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा सब्जी देखिए बना है बना। तो यहाँ पर ढक देते हैं। तो अब चलते हैं, रख देते हैं डिब्बा मसाला सब। गुंजन यहाँ पर रोटी लगभग बना चुकी है, थोड़ा और बनाना बाकी है। तो अभी मैं दाल चावल सब्जी सब बना दी, यहाँ पर गुंजन रोटी बना रही है और शीतल आज यहाँ घर का पोछा लगा दी खाना बनाते ही वक्त। और यहाँ पर देखिए फेस पाउडर का मेकअप हो रहा था, यहाँ पर कुछ इस तरह, यही अलमारी के पास आ जाती है और अपना सब मेकअप होता है। जो देखिए फेस पाउडर बहुत दिनों का रखा हुआ सब टूट गया है, यही निकाल निकाल के लगाती, यहाँ पर लगा रही थी। चांदनी पोछा लगा कर थक गई। तो यहाँ पर लेटे हुए हैं, कल खूब झगड़ा किए हैं, हमको ताना मारते हैं हमारे कई बात को लेकर, और अब कमाने लगे हैं। तो ये सही बात, यह सत्य, मैं पूरा बात स्पष्ट नहीं बताई, कहते हैं अब
कमाने नहीं जाऊंगा तो भूस ही निकल जाएगा घर का, सभी का। धमकी देते हैं ये, क्या ये बात सही है? सही है तो चेहरा देखकर रिएक्शन आप सब पता लगा सकते हैं। जो सामने से बोलता नहीं, भोला भाला रहता है अंदर से बहुत, समझ लीजिए मैं कुछ बोलूंगी तो आप सब बोलोगे उल्टा बोल रही है संगीता। चेहरा देखकर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि ऐसा चेहरा भी लड़ाई करना जानता है और बहुत अशब्द बातें भी बोलना जानते हैं। तो अभी बाल में कंघी नहीं की, अभी इनका शिकायत कर रही थी। कल वाला वीडियो आप सब जाकर देखना, कल वाले वीडियो में इनसे मैं ना सही से बात की ना तो इनके बारे में जिक्र की, तो कल बोल चाल बिल्कुल बंद था हमारा। तो कुछ ऐसा हुआ, धमकी देते हैं, तो यही मैं सवाल की थी कि जब 100 रुपये का कमाई नहीं हुआ करता था, एक समय था महीने में 100 रुपया नहीं कमाई होता था तो भी हम चला लेते थे घर, तो अब कौन बात का टेंशन है? तो अब एक काम ना सही तो दूसरा काम सही, थोड़ा रिक्स लेना पड़ेगा और क्या। तो कहते हैं सबको जवाब देने लगो ना तो यही कहेंगे घमंड हो गया, और जब सबका सुनो तो समझ लीजिए बहुत अच्छे हो। तो जब कहते हैं जब अपने ही धोखा देने लगे तो दूसरों का क्या बात करें। आज यहाँ छत पे चढ़ाई हूँ यहाँ बगल में, और अपना ये देखने आई थी। अब यही डर है बरसात आने वाला है तो सारा पानी इसी पे टपकेगा। आज यही देखने आई थी कि ये पल्ली सही है कि लगाने, नहीं तो छोड़ देंगे। मैं कुछ दम बना देना ठीक दिखाओ। तो ये हवा चल के इसी तरह गिर गिर के आ जा रहा, पूरा सड़ गया है। वहाँ चंदन गए हैं पल्ली निकाल रहे हैं, तो बाकी दूसरे के घर हवा चल के चला जाता है तो लोग बोलते हैं कि ये पल्ली आ रहा है हटा दो कूड़ा होता है। तो आज ही हटाने हम सब चढ़े थे, बिल्कुल ख़राब हो गया है। बारिश आएगा, एक टेंशन ये भी रहेगा कि बारिश में सारा सामान भीगेगा। तो पल्ली तो इस समय महंगा आ रहा है, फिलहाल किसी तरह अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे रहने देंगे। लेकिन ये पल्ली जो कूड़ा हो जाता है घरों में तो ये नहीं होगा, इसको हटा ही देंगे। सीमेंट से जमाया गया था कि ना उगे, देखिए पल्ली को तो इस पे रख देंगे, कभी पल्ली अगर आएगा तो फिर ये ईटा काम में आ जाएगा। चंदन यहाँ पर चढ़े हैं, तो यही आप सबको दिखाना था। देखिए हमारे गांव का लोकेशन कुछ इस तरह है, और यहाँ दिन इतना डूबने वाला है। तो अब हम निकलवाएंगे नहीं, चंदन के पापा वीडियो बना रहे हैं और मैं चली आई थी थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा अलग हो जाएगा और आप सबको दिखा दीजिए। अब यहाँ से चलते हैं, टीना सब बीच बीच में टूटा हुआ है, आप सबको बताई थी, इसी पे ईटा फेंक दिए थे सब छबिया में, सब टूट चुका है टीना बिल्कुल। सिर्फ एक देखने में लग रहा है कि हाँ यह इसमें टीन साइड रखा हुआ है। तो अब यहाँ से चलेंगे, जो जैसा करते हैं सब अच्छा करते हैं, और भगवान की मर्जी तो ईश्वर की मर्जी होता है तभी करते हैं, तो भगवान जैसे लिखे होते हैं। तो दिखाई थी आप सबको, हमारा टीना सब तोड़ दिए थे ईटा से। तो चढ़ने को तो बहुत अच्छे से छत पे आ गई थी ये रख के, अभी आप सबको दिखा रही थी। अब हम अटक गए, आज समझ रहे हैं कि उतरे कि ना उतरे, कि यहीं पे रहे। चंदन के पापा कह रहे चलो हम उतारते हैं, एक हाथ से सीढ़ी पकड़ी है एक हाथ से, हमको अगर हम गिरने लगेंगे संभाल खो नहीं पाएंगे। तो यहाँ उतर रहे हैं, अब तो भगवान बचाएं। तो शॉर्ट वीडियो शूट की हूँ दोस्तों, और शॉर्ट पे डाली हूँ, आप सब पूरा देखना। यहाँ थोड़ा क्लिप लगा दी थी, अच्छे से शूट की थी, और यहाँ पर लॉन्ग वीडियो में शूट की थी, तो घर पे जा रही थी और शीतल शूट कर दी थी। तो यहाँ चलाते हुए आ गई अपनी घर के पास, तो साइकिल चला रही थी, थोड़ा देख रही थी कि अब भूल गई कि चला लेती। कहते हैं जो हुनर रहता हो इंसान कभी नहीं भूलता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हाथ डगमगा जाता है, और
साइकिल का पैंडल मारती हूँ तो दूर तक भागता है जल्दी जल्दी, और पहले सही से चलाती थी, और साड़ी पहनकर चलाने में थोड़ा इजी नहीं। तो दोस्तों, छत से उतरने के बाद में अभी आप सबको दिखाई थोड़ा साइकिल चला रही थी और पीछे पीछे अंजलि चल रही थी। तो साइकिल हम खरीद लिए हैं दोस्तों, ये साइकिल खरीदे हुए हमें एक महीना हो गया। तो मैं थोड़ा थोड़ा बचत करके पैसा कुल मिला के कल वाले वीडियो में बताएंगे कि कितने में मैं साइकिल खरीदी हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। और देखिए यहाँ पर नाराज हैं अभी, लेटे हुए थे और मुंह छिपा लिए, तो मेरे वीडियो में नहीं आना चाहिए। बीच में मैं आपको दिखाई शिकायत दिखी, बोल रहे थे कि अब तुम्हारे वीडियो में नहीं बोलना है, हमें है ना अंजलि। कल लड़ाई किए थे, क्या क्या हुआ था अंजलि बताएगी सारा बात। बता दो अंजलि, डरो नहीं, इधर कौन रो रहा था बता दो। देखिए इतना करने के बाद भी रोना पड़ता है, यही है, जिसका भला करो वही गला काटता है। तो यही हाल है, ऐसा ही दुनिया चल रहा है, तो भला ये कहाँ चौंकने वाली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, लाइक और शेयर करना।